नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज सिंह। स्मार्टर एवरीडे में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं लैंग्वेज प्रोफेंसी का 2018 का क्वेश्चन पेपर। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर 2018 में आए थे, कौन से क्वेश्चंस थे आप उनको नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, शॉर्ट में क्वेश्चंस थे हमारे, ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। ऐसे अच्छा, एक बार बता देते हैं। लिखा है कि व्हाट आर द फोर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फोर बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो, इसका जो मैंने पहले लैंग्वेज प्रोफेंसी का वीडियो अपलोड किया था, उसमें दिया हुआ है, आप उसको इसको देख सकते हैं। या एक सेकेंड प्लीज, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ कहाँ पे है। फ्रेंड्स, वीडियो इसका अपलोड कर चुका हूँ मैं पहले ही, उसको हिंदी एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किया था, और आप उसको चेक कर सकते हैं। फोर बेसिक स्किल्स, ये देखिए फ्रेंड्स, फोर लैंग्वेज स्किल्स प्रिस्क्राइब फॉर, ये लिखा देखो, फोर बेसिक स्किल्स। ये वीडियो आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, आप वीडियो देख करके इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। सो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं पीछे पीछे जा करके। सो इसके बाद है, नेक्स्ट है कि गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका उल्टा बताना है, ठीक है, अपोजिट बताने हैं। हाउ कैन द प्रोफेंसी ऑफ अ स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश बी डेवलप्ड, राइट डाउन द सिनोनिम्स, इनका पर्यायवाची बताना है। और हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने वॉवल्स होते हैं उनको लिखना है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, इनको यूज करना है सेंटेंस में। हाउ शुड द एसे बी डेवलप्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वॉवल्स, जैसे ये साइलेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ऐसे करना है इसको। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे इसको चेयर है, और ये क्या लिखा है, बीक लिखा है। राइट फोर टिप्स ऑफ गुड ओरल डिलीवरी, फिर लिखा है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए एक शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा है पर्सन हु रन्स अ शॉप, और जो दुकान चलाता है उसे क्या कहते हैं, शॉपकीपर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा शॉपकीपर। अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, जो पत्र बांटता है उसको क्या कहते हैं, पोस्टमैन। अ पर्सन हु मेंड शूज, जो हमारे जूते सिलता है उसको क्या कहते हैं। अ पर्सन हु इज सिक और इंजर्ड, जो बीमार पर्सन उसको क्या कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं ये पेशेंट कहते हैं। फॉर्म नाउंस फ्रॉम एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोनोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज। ये अगर आपके पास ये वाला, देखिए ये अगर इजी नोट्स है तो इसका पेज नंबर दिया हुआ है, इस इजी नोट्स में पेज नंबर अगर आप 10 खोलेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फोनोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन को पेज नंबर भी फाइंड आउट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस इन स्पीकिंग अ लैंग्वेज, पेज नंबर 16 खोल लीजिए, उसमें मिलेगा। हाउ विल यू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट की स्किल को कैसे, स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग डिस्कस, पेज नंबर 59 खोलिए, इसका आंसर दिया हुआ है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग की क्या विशेषता है, पेज नंबर 44 पे देखिएगा, आंसर मिल जाएगा इसका। फ्रेंड्स, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग के क्या प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत है उसके। उसके बाद सेक्शन सी पे आ जाइए, सेक्शन सी देखिए, इसमें से अभी दो क्वेश्चन करने हैं। पहला कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम दैट यू आर डूइंग वेल इन स्टडीज एंड नीड सम मनी टू बाई बुक्स, अपने पिताजी को ये बताना है कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर रहे हैं और उसको कुछ पैसों की जरूरत है, तो इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है पिताजी को। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर इन ए स्कूल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट इन अ पेपर। फिर है सेवन्थ नंबर, राइट डाउन द डूज एंड डोंट्स वाइल प्रिपेयरिंग योर रिज्यूम, ठीक है। और डिस्कस इन डिटेल्स टिप्स फॉर गुड ओरल डिलीवरी, पेज नंबर 38 खोलिए, उसमें आंसर दिया हुआ है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाई ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, डिबेट्स आर मोर इफेक्टिव दैन लेक्चर्स वाइल टीचिंग, डिस्कस करना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा ये पेपर लास्ट हो गया। तो ये 2018 का पेपर था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर के आता हूँ।